गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मेमरी स्टूडेंट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमरी प्राइमरी मेमरी एंड सेकेंडरी मेमरी स्टूडेंट्स प्राइमरी मेमरी और सेकेंडरी मेमरी के भी आगे सब पार्ट्स होते हैं मीन्स इनकी भी आगे टाइप्स होती हैं जैसे प्राइमरी मेमरी की टाइप्स होगी रैम रोम प्रोम ई प्रोम ई प्रोम और सेकेंडरी मेमोरी की हार्ड डिस्क सी डी रोम डी वी डी पेन ड्राइव ब्लू रे डिस्क स्टूडेंट्स जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये हमारी इंटरनल मेमोरी होती है और इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं इंटरनल मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के इनसाइड होती है जो हमारा सीपीयू होती है होता है उसके अंदर हमारी जो इंटरनल मेमोरी होती है हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो प्रेजेंट होती है ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है जो हम करंटली कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं द मिनिमम साइज ऑफ़ प्राइमरी मेमोरी इज़ टू फिफ्टी सिक्स एम बी टू फिफ्टी सिक्स एम बी एम बी मीन्स मेगाबाइट एम बी मीन्स मेगाबाइट वी कैन इंक्रीज़ इट्स साइज एनी टाइम हम किसी भी टाइम किसी भी समय इसका जो साइज है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है टू टाइप्स की uh, कौन कौन सी रैम और रोम रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी रोम होती है रोम मीन्स रीड ओनली मेमरी ये मेमरी जो होती है इसमें सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं इसमें हम इंफॉर्मेशन में कुछ एडिट नहीं कर सकते इसमें हम सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं रीड कर सकते हैं और ये जो मेमोरी होती है डायरेक्टली असेस्ड होती है कंप्यूटर से कंप्यूटर इसे डायरेक्टली क्या करता है असेस करता है द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द इन रोम आर रिटेन्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ मीन्स जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तब भी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी जो रोम में स्टोर होती हैं वो एज इट इज़ ही रहती हैं इट इज़ आल्सो कोल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। स्टूडेंट्स इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोम रोम की भी आगे फर्दर थ्री टाइप्स हैं जैसे प्रोम ई प्रोम ई प्रोम 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 की फुल फॉर्म क्या होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इट इज़ ए मेमरी चिप ऑन विच वी स्टोर प्रोग्राम्स ये एक मेमोरी चिप होती है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं लेकिन अगर इसमें हम एक बार कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दें तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता अगर हम अपनी किसी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होती है हमारी नॉन वोला ठीक है स्टूडेंट्स इसलिए इसे कोई स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं स्पेशल कंडीशंस होती है उसी में ही प्रोम को यूज़ किया जाता है नेक्स्ट है हमारी ईPROM ईPROM मींस इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वी कैन इरेज इट्स स्टोर इंफॉर्मेशन बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट ईप्रोम्स आर चीप रिलायबल एंड हैंस वाइडली यूज्ड अब स्टूडेंट्स प्रोम में हम जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते थे उसे हम इरेज नहीं कर पाते थे लेकिन जो ई प्रो में हम अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू अपनी जो इंफॉर्मेशन है जो स्टोर है हमारी इस चिप में उसको क्या कर सकते हैं इरेज कर सकते हैं इसलिए ये क्या है चीप होती है रिलायबल होती है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि हम इसमें एक बार अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके उसे इरेज करके दोबारा फिर नए इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट है ई प्रो मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनलीमरी द इन्फॉर्मेशन रिटर्न ऑन इट कैन बी इरेजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल हम ई e प्रो में अपनी इंफॉर्मेशन को इरेज करने के लिए क्या यूज करते थे अल्ट्रा वायल लाइट और इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी रैम रैम की फुल फॉर्म क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमरी स्टूडेंट्स जो रैम है हमारी इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हैं और साथ में राइट भी कर सकते हैं वी कैन रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट एज वेल एज राइट और स्टोर इंस्ट्रक्श इंस्ट्रक्शन ऑन इट रैम में क्या होता है हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो रैम में स्टोर होती है रैम जो होती है वोलाटाइल इन नेचर ये वोलाटाइल होती है नेचर में क्योंकि हम इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं जो रोम थी वो क्या होती है नॉन वोलाटाइल क्योंकि हम उसमें कोई चेंज एक बार हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दी तो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते थे स्टूडेंट्स हमारा सी पी यू रैम को तब तक एक्सेस कर सकता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है जब हमने अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया जो स्टोर डाटा है इंस्ट्रक्शन है वो डिसअपियर हो जाती है हमारी रैम में स्टूडेंट्स अब रोम में क्या होता था जो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी एज इट इज़ ही रोम रोम में रहती थी लेकिन रैम में क्या होता है जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं रोम में वो सारी डिसपियर हो जाती हैं रैम जो होती है स्मॉल होती है इन बोथ फिजिकल साइज और अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन बी स्टोर दोनों में क्या होती है ये स्मॉल होती है इट इज़ मच स्मॉलर देन अ हार्ड डिस्क ये हार्ड डिस्क से भी छोटी होती है हमारा जो एक कंप्यूटर आता है नॉर्मल कंप्यूटर उसकी जो रैम होती है वो होती है टू फिफ्टी सिक्स मिलियन बाइट्स की और उसकी जो हार्ड डिस्क होती है वो होती है फोर्टी मिलियन बाइट्स की रैम जो होती है ये हमारी आती है एक सेपरेट माइक्रो चिप्स होती हैं उनकी फॉर्म में हमारी रैम आती है जो हमारी कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ट होती है सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ मेमरी द प्राइमरी मेमरी थैंक यू